आमतौर पर सिजेरियन डिलीवरी या सी सेक्शन से बेहतर नॉर्मल डिलीवरी मानी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी में ऑपरेशन का खर्च कम होता है और महिला के शरीर पर ऑपरेशन से होने वाले साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है, लेकिन देखा गया है कि कई बार डॉक्टर और अस्पताल मुनाफा कमाने के चक्कर में सिजेरियन डिलीवरी के लिए ही दबाव बनाते हैं। हालांकि कई ऐसे केस में खराब दिनचर्या के चलते महिलाओं के पास सिजेरियन डिलीवरी का ही ऑप्शन बचता है। ऐसे में डॉक्टर सीमा द्विवेदी की सलाह उन महिलाओं के लिए बड़े काम की साबित हो सकती है जो सिजेरियन डिलीवरी से होने वाले साइड इफेक्ट से बचना चाहती हैं और अपनी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं। डॉक्टर सीमा GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर सीमा टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने डॉक्टरी को अपना करियर बनाया। उनके लगन को देखने से लगता है कि डॉक्टरी उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक जुनून है। मेरी जो है इच्छा एक शिक्षक बनने की थी, लेकिन मैं मेडिकल में आऊँ ऐसा पिताजी का एक स्वप्न था, क्योंकि घर से कोई डॉक्टर नहीं था। उसके बाद डॉक्टरी की, हाँ, चैलेंजेस ये है कि पढ़ाई बहुत बृहद है और विशाल है और एकाग्रता मांगती है, तो वो सारे गुण पहले से थे, तो मुझे ऐसी कोई विशेष कठिनाई नहीं आई। तो हमेशा टॉप 5 में पोजीशन रहती थी, एक आत्मसंतोष रहता था। पढ़ाई नंबरों के लिए नहीं की हमने, शौक के लिए की कि हमें ज्ञान अर्जन हो, तो बिना स्ट्रेस के ही अक्सर पढ़ाई हुई। साथ में जब MSMD में आए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी वर्किंग आवर्स हैं रेजिडेंट्स के, कई बार खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, चेंज ओवर करने के लिए समय नहीं मिलता था। सुबह से लेके रात दिन पूरा गुजर जाता था एक पांव पे खड़े खड़े, लेकिन वो तो प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विशेषता है कि यहाँ पर इतना मजबूत और हैवी वर्कलोड है। डॉक्टर सीमा ने महिलाओं की डिलीवरी को लेकर शानदार काम किया है। अपने क्षेत्र में काम करने का उन्हें 25 साल का अनुभव है। उनके रिसर्च और प्रयासों से नॉर्मल डिलीवरी की रेट लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर सीमा ने अब तक 5 ऐसी रिसर्च की है जिनकी मदद से नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ा है। यहाँ आई 80% महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। महिला रोगों में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सीमा की पहचान तो है ही, लेकिन उनकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान बना चुकी है। उनके शोध में योग के फायदों से लेकर अच्छी दिनचर्या से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को 80% तक बढ़ाने के चांस बताए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सीमा गर्भ संस्कार भी कराती हैं। ये संस्कार बच्चा पैदा होने से पहले कराया जाता है। डॉक्टर सीमा का कहना है कि इससे बच्चे ज्यादा संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। डॉक्टर सीमा अब तक लगभग 36 गर्भ संस्कार कार्यक्रमों का आयोजन करवा चुकी हैं। पैदा हो चुके बच्चों को भी संस्कारी बनाने के लिए डॉक्टर सीमा ने क्रिया मेडिटेशन नाम के मेथड की जानकारी दी, और वो क्या है आइए सुनते हैं। क्रिया ध्यान पद्धति में विशेष मुद्राओं में बैठ करके बच्चों को मेडिटेशन कराया जाता है। छोटे 3 साल 2 साल के बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक इसे कर सकते हैं, और संस्कार की आवश्यकता तो बच्चों में होती है, तो वो क्रिया ध्यान कार्यशालाएं हमने 500 कराई हैं, जिसमें अभी तक कार्यशाला के अलावा ऑनलाइन उससे भी 5 लाख से ऊपर विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं क्रिया ध्यान से। और क्रिया ध्यान का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जब मानसिक उलझन में दिमाग बहुत हुआ तो जीवन के बहुत ही कठिन संघर्षों का सामना हम ये क्रिया ध्यान, मात्र 3 मिनट की क्रिया ध्यान करके हम कर पाए जीवन में। डॉक्टर सीमा ने इस बारे में भी विस्तार से बताया कि आखिर वो कौन सी वजह है जिनसे ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी करना मजबूरी बन जाता है और ऑपरेशन के रेट लगातार बढ़ रही हैं। सबसे बड़ा कारण ऑपरेशन होकर के प्रसव होने का है, वो है फीटल डिस्ट्रेस, यानी अगर माता की अनियमित जीवन शैली है, खान पान ठीक से नहीं है, माँ अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही है, तो कनाई भी ठीक से नहीं बनती है, बच्चे को खून भी ठीक से नहीं पहुँचता है और बच्चा पेट में पखाना कर देता है, इसके कारण ऑपरेशन के रेट बढ़ रहे थे। लोकल 18 के लिए कानपुर से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट।